सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियम हॉबी और आप हैं काविश के साथ। एंड टुडेज टॉपिक इज क्लाउन फिश ब्रीडिंग। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे टैंक में, ये देख सकते हैं एक मेरे पास डिजाइनर क्लाउन का पेयर है। डिजाइनर क्लाउन ये कौन सी है, ये हमारी पिकासो क्लाउन है जो देख सकते हैं। इसका पेयर है, मेल फीमेल का पेयर है, प्रॉपर पेयर। तो फ्रेंड इन्होंने ब्रीडिंग कर दी है। तो फ्रेंड और आगे बात करने से पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको हम बता दें कि फ्रेंड्स ये जो मेरा टैंक है ये 3 फीट का टैंक है। 3 फीट इंटू 36 इंचेस इंटू 20 इंचेस इसकी हाइट है और 18 इंचेस फ्रंट टू बैक है। और फ्रेंड इस टैंक को साइकिलिंग होते हुए हमारे 3 ईयर्स हो चुके हैं, मोर देन 3 ईयर्स हो चुके हैं। तो मेरा 3 साल पुराना टैंक है ये। और फ्रेंड जब से इसकी टैंक की सीरीज स्टार्ट करी थी, मतलब कि इसका कैबिनेट और वो सब बनाना स्टार्ट करा था फ्रेंड, उसको तो अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स हो चुके होंगे। फ्रेंड इस टैंक की सारी वीडियो, मतलब कि साइकिलिंग, स्केप, A to Z जितनी भी वीडियो है वो सारी वीडियो यहाँ पर हैं। आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पर, आप लोग सारी वीडियोस देख सकते हैं कि ये वाली फिश हम कब लाए थे और बाकी सारी फिश कब लाए थे, कैसे क्या करा, इसके अंदर साइकिलिंग कैसे करी, सॉल्ट वाटर कैसे बनाया, वो सारी वीडियोस हैं यहाँ पर। तो चलिए उन सब बातों को छोड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्लाउन फिश की ब्रीडिंग के ऊपर। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास 2 क्लाउन हैं इस एक्वेरियम के अंदर। और फ्रेंड्स इनको लाए हुए हमको मोर देन 1 ईयर हो चुका है। एक हमने वीडियो बनाई थी डिजाइनर क्लाउन और नॉर्मल क्लाउन के ऊपर वीडियो बनाई थी। जो फ्रेंड जो वीडियो बनाई थी वही जो क्लाउन थी वही है ये वाली क्लाउन, और उसका भी लिंक हम यहाँ पर दे देंगे, आप लोग क्लिक करके वाली वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड आप लोग को साइज का डिफरेंस दिख जाएगा, पहले कितनी बड़ी थी और अब इनका साइज कितना ग्रो हो गया है। टच वुड कुछ होना इनको, है ना। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका साइज कितना अच्छा हो गया। और फ्रेंड अब इन लोगों ने, मतलब कि क्या हुआ, कल हम अपने रूम में आए और रूम में आने के बाद हमने देखा तो जो है ऐसे ही पता नहीं हम किस काम से आए थे रूम में, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। फिशेस को फीडिंग वगैरह हम कर रहे थे तभी हमको एकदम से मेरी नज़र पड़ी यहाँ पर, जो मेल था वो यहाँ से हट नहीं रहा था। फीमेल तो वहाँ पर खाना खाने आ गई थी। एक्चुअली मेल फीमेल का इसमें क्या रहता है कि जब क्लाउन जब पैदा होते हैं, है ना, जब वो बर्थ लेते हैं तो सारे क्लाउन जो होते हैं वो मेल होते हैं, है ना। उसके बाद में फिर क्या होता है कि अगर उनके ग्रुप में क्या होता है कि जो सबसे डोमिनेंट वन होता है वो फिर फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर आपके पास 2 क्लाउन है तो जो उसमें से जो डोमिनेंट वाला होता है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है और उसका साइज जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, दूसरा वाला मेल रहता है। ये ऐसे इनकी टेंडेंसी रहती है, है ना। तो जो ऐसे ही क्या कहें अब, है ना। तो जो इसीलिए जब भी आप क्लाउन बाय करें तो जो एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा बड़ा क्लाउन बाय करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके सक्सेस रेट ज़्यादा रहेंगे उनका पेयर फॉर्म करने के। सेम साइज़ के क्लाउन कभी कभी दोनों ज़्यादा लड़ते हैं और फिर एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा हार्म कर देते हैं और फिर वो पेयर फॉर्म नहीं हो पाते, कभी कभार तो मार भी देते हैं या काफ़ी ज़्यादा खदेड़ देते हैं उसको। तो इसीलिए एक बड़ा लें दूसरा छोटा लें, तो बड़ा वाला जब उसको क्या कह सकते हैं उसको उससे लड़ेगा, उसके ऊपर डोमिनेंसी दिखाएगा, डिक्टेटरशिप दिखाएगा, तो दूसरा वाला रेसेसिव हो जाएगा। वो थोड़ा सा मतलब कि वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ वो मेल रहेगा, बड़ा वाला फीमेल बन जाएगा, ऐसा करेगा। तो एक छोटा एक बड़ा लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए पेयर फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हमेशा हम भी एक छोटा एक बड़ा ही लेते हैं जब भी क्लाउन लेते हैं। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पेयर था, तो फ्रेंड्स ये पेयर फॉर्म हो गया था, फिर ये एनिमोन पे होस्ट करने लगा था। मे भी काफ़ी सारे अपडेट हमने इंस्टाग्राम पे दिए थे, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। हम बिहाइंड द सीन्स और काफ़ी सारी चीज़ों के फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर सबके अपडेट हम देते रहते हैं। तो फ्रेंड ये देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो था काफ़ी टाइम से इसी एनिमोन में होस्ट करते थे। यहाँ पर मेरे पास 2 एनिमोन है, एक एनिमोन ये ऊपर है और एक इसके बगल में एनिमोन है। पहले दोनों एनिमोन नीचे थे, फिर पता नहीं अपने आप ही दोनों ऊपर चले गए, मे बी लाइट की वजह से ऊपर आ गए ये दोनों एनिमोन, या फिर फ्लो की वजह से हमको नहीं पता। तो ये दोनों एनिमोन आ गए, एनिमोन का साइज थोड़ा सा श्रिंक हो गया, वो मे बी लो नाइट्रेट की वजह से हुआ है। चलो ये सब बातें अभी नहीं करते, लोग मेन आ जाते हैं इस क्लाउन फिश की ब्रीडिंग के ऊपर, है ना। तो फ्रेंड ये हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि जो है जो मेल था वो यहीं पर ही रुका हुआ था इसी रॉक के पास, जहाँ पर आप लोग एग्स देख सकते हैं। ये एग्स देख सकते हैं, ये 6 to 7 eggs है यहाँ पर आप लोग को दिखेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए, आप लोग को छोटे छोटे से दाने जैसे दिखेंगे, बिल्कुल ही छोटे। इनका जो कलर है वो जैसे साबूदाना होता है, खाया होगा साबूदाना खाने वाला होता है, कलर और टेक्सचर देखने में वैसा ही है। इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, इसका साइज़ एक्चुअली जो सरसों होती है ना, सरसों आप लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे ना फ्रेंड, उसी के साइज़ का साइज़ है इसका, है ना। तो जो उतना बड़ा साइज़ है इसका और टेक्सचर तो हमने आपको बताया कि साबूदाने कैसा देखने में है ना, और वैसे ही देखने में सॉफ्ट भी लग रहा है। ऐसे ही एग्स होते हैं सारे फिश के, है ना। तो जो है ये चीज़ जब हमने देखी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हम हो गए कि पहली बार, मतलब कि मेरे 3 to 4 years के मेरे इस जर्नी में सॉल्ट वाटर की पहली बार फिश ने ब्रीड करा मेरे टैंक में। उससे पहले फ्रेश वाटर की काफ़ी सारे स्किलेट्स को हम ब्रीड कर चुके हैं, वो भी अपने आप में जब पहली बार वो भी ब्रीड करी थी तो एक अलग सी किक मिली थी अंदर से। वैसे ही फ्रेंड्स काफ़ी सालों के बाद वैसी किक फिर से मिली कि जो है अंदर से एक फील आई कि यार कुछ ज़बरदस्त हुआ है काम,
है ना। और बट फ्रेंड ज़बरदस्त काम तो हुआ है, बट मेरे पर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई इसके साथ में कि इनको प्रोटेक्ट कैसे करें, इनको हैच कैसे करें, इनको सेफ कैसे करें। फ्रेंड आप लोग को मतलब कि इसको जो क्लाउन फिश के जो बेबीज होते हैं फ्रेंड, इनको मेन टैंक में हैच करना, ग्रो करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात रहती है। इसको निकाल के एक तो ये पूरा जो मेरा स्ट्रक्चर है, इसकी भी वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कैसे बनाया। तो फ्रेंड इसको पूरा ये स्ट्रक्चर जो मेरा पूरा ग्लूड है, ये है ना पूरा जुड़ा हुआ है आपस में, इसको हम कोई पत्थर हटा नहीं सकते हैं। अगर पत्थर हटा पाते हैं तो जो एक और डेडिकेटेड टैंक एक हम बनाते हैं अलग से, और ये पत्थर उठा के हम उसके अंदर रख देते हैं, येलो वाटर कन्वर्ट करते हैं उसके अंदर, और फिर पत्थर उठाते हैं उसके अंदर रख देते हैं, फिर उसके अंदर हैचिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड आप लोग को सुनने में रूड लगेगा बट सच बताएं तो इस टैंक के अंदर इन एग्स का हैच होना और ग्रूम होना बहुत ही कम चांसेस हैं, 0.01% चांस है कि जो है इसमें से बेबी ग्रूम हो पाए। क्योंकि फ्रेंड्स अंडे तो हैच हो जाएंगे, जो एग तो हैं वो हैच होने के चांसेस हैं, वो हैच हो जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली हैच इनको हैच करने के लिए और इनको ग्रो करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर देना पड़ता है, वो 27 डिग्री सेल्सियस सही रहता है। मेरे टैंक का टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा कम है, बट हैचिंग में टाइम लगेगा, बट हैच तो हो ही जाएंगे। बट हैच होने के बाद मेरे टैंक में अलग, मेरे टैंक में और भी टैंक्स हैं, तो वो टैंक्स काफ़ी अग्रेसिव होती हैं, और एंथियाज हैं, रैस हैं, है ना, गोभी तो वैसे चलो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट रैस, एंथियाज, टैंक्स ये इसको नहीं छोड़ेंगे एक्स को। और एक्स को छोड़ भी दिया, मेल ने सेव कर लिया, बचा लिया इसको। मेल से फ्रेंड्स एक बात और याद आई कि फ्रेंड अभी तो देख सकते दोनों मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर हैं, बट जब क्लाउन फिश ब्रीड करती है, जब अंडे देती है, तो फिर सारी जिम्मेदारी अंडे देने के बाद सारी जिम्मेदारी मेल की हो जाती है, फीमेल अपनी टहलती घूमती रहती है, है ना। अभी भी यहाँ पर है ये, वैसे तो ये इधर उधर घूम ही रही थी, खाली जो मेल था वो इसको प्रोटेक्ट कर रहा था एक्स को, और किसी भी फिश को आने नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अभी जो है इसके अंदर हैचिंग तो हो सकती है, बट हैच होने के बाद इसको मतलब कि हैच होने के बाद ये फिश फूड नहीं खाने लगते हैं, और मरीन टैंक के अंदर फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, वेव मेकर लगा होता है, फिर ओवरफ्लो बॉक्स से पानी नीचे जा रहा है, सम के अंदर स्कीमर लगा हुआ है, पंप्स लगे हुए हैं, उससे पानी ऊपर आ रहा है। तो फ्रेंड इसके अंदर मतलब कि क्या कहें, कहते बुरा लग रहा है, बट 0% चांसेस हैं कि इसके अंदर बेबीज ग्रूम हो पाए, पूरे चॉप्ड हो जाएंगे अगर ग्रो हो भी गए, बच भी गए, मतलब ग्रो तो होने अलग की बात है, ग्रो होने में लगभग 30 दिन लगते हैं, जब वो एक छोटी फिश जैसे लगना शुरू होते हैं, उससे पहले लार्वा जैसे लगते हैं वो, है ना, वो जो स्टेज होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट स्टेज होती है। उस टाइम पे आपको इन लोग को प्लांटन्स देना पड़ते हैं, प्लांट्स नहीं प्लांटन्स, है ना, और जो है इसको रोटिफाई वगैरह देना पड़ता है। प्लांटन्स की इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये जो प्लांटन दिखा देते हैं आप लोग को, जो कि अपने रिफ्यूजियम में हम डोज करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो हैं, एक फाइटोप्लांटन है और ज़ूप्लांटन है, ये सीकेम के हैं। ये इन प्लांटन्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम बात कर रहे हैं जो फ्रेश प्लांटन्स होते हैं, ज़ूप्लांटन, फाइटोप्लांटन जो फ्रेश होते हैं, जिन आपको उनको हैच करना पड़ेगा अपनी हैचरी बना के। उस हैचरी की वीडियो भी मे बी हमने एक बार इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी डॉक्टर मनीष की, तो जो है अगर शायद याद नहीं एग्जैक्टली हमें, अगर होगी तो अभी हम शेयर कर देंगे उसको इस वीडियो के बाद, है ना। तो फिर वैसी हैचरी बनाना पड़ती है इनको आपको उसके अंदर ये ग्रो करने के लिए, और फिर रोटिफाई आपको ग्रो करना पड़ता है, वो सब देना पड़ता है। और फ्रेंड वो सब आप मेन टैंक के अंदर नहीं दे सकते हैं, डेडिकेटेड अलग से टैंक बनाना पड़ता है। फिर टैंक बनाने के बाद फिर उसके अंदर आपको वाटर चेंजेस भी डेली करना पड़ते हैं, अप्रॉक्स 20-30% वाटर चेंज करना पड़ता है। और वाटर चेंज फ्रेंड्स फ्रेश वाटर का अगर आपके पास मछली ने ब्रीड करा हो उसके अंदर काफ़ी इजी रहता है, खाली टोटी खोली और पानी भरा ड्रम के अंदर, हीटर डाला, टेम्परेचर मैच करा, फिर फिल कर दिया उसके अंदर। बट सॉल्ट वाटर के अंदर आपको पूरी सैलिनिटी बनाना पड़ती है, सैलिनिटी मेंटेन करना पड़ती है, सॉल्ट मिक्स करना पड़ता है, तो वर्क काफ़ी लेंदी और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो जो फ्रेंड्स अभी हमने डिसाइड नहीं करा कि हम इसके लिए कितना बड़ा टैंक अलग से बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड चलिए अभी तो इसने मछली ने अंडे दे दिए हैं, इसको तो सेव करना बहुत ही मुश्किल बात है। बट 2 मंथ्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली ये फिर से एग देंगी, क्योंकि अब ये एग लेंग पे आ चुकी हैं ये लोग, है ना। तो जो फ्रेंड्स ये बार बार एग्स देती रहेंगी कुछ कुछ टाइम के गैप पे, पीरियड के गैप पे। तो फ्रेंड्स अब क्या, वही हम सोच रहे हैं कि इसके लिए अलग से डेडिकेटेड टैंक बनाएं और उस टैंक को अब अपने मेन टैंक से जोड़ दें, हम ये सोच रहे हैं, है ना। तो जो एक ही सम्प से मेरी दोनों टैंक रन करेंगे और वाटर क्वालिटी भी डिस्टर्ब नहीं होगी, सेम वाटर क्वालिटी रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स अब ये टैंक काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है मेरा टैंक ये। तो
बस क्या बताएं फ्रेंड, तो यही चीज़ें हैं। तो जब आप लोग बताइए कि इसके लिए हम डेडिकेटेड टैंक कितना बड़ा बनाए, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग भी होंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हॉबिस्ट रीफर्स होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे आप लोग सजेस्ट करिए कि क्या सही रहेगा। और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है, खाली फ्रेश वाटर कीपर्स हैं, प्लांटेड टैंक कीपर्स हैं या फिर सॉल्ट वाटर कीपर्स हैं, आप लोग कमेंट अपने करके बताइएगा आप लोग को कैसी लगी ये वीडियो, और आप लोग के क्या सुझाव हैं अपने भी एंड से बताइएगा कि क्या करा जाए इसके अंदर, कैसा लग रहा है आप लोग को। भाई हम तो काफ़ी देर एक्साइटेड हैं, मतलब कि एक्साइटेड जब बोल लेना तो मेरे तो रोएं खड़े हो रहे हैं कि मतलब क्या कहें कि अगर क्लाउन फिश ब्रीड कर गई और काफ़ी सारे बच्चे हुए तो कितना अच्छा लगेगा ना। उसकी जर्नी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि जो डे फर्स्ट से डे 30 तक जब तक वो फिश लगना स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद फिर उसकी 1 ईयर तक, 1 साल के बाद वो ऐसा साइज हो जाता है कि हाँ वो एक अच्छी क्लाउन फिश कहने में लगती है, वो एक अच्छा साइज लगता है ना फ्रेंड। उस पीरियड तक जब उसको लेके जाएंगे कितना ज़्यादा एक्साइटेड मोमेंट होगा, और क्या कहें मतलब कि जब ये सब कह रहे हैं ना तो मतलब कि मेरे गूस बम्स हो रहे हैं ना, तो मज़ा आ जाएगा। मतलब कि अगर 100-200 क्लाउन ग्रूम करी, और अलग ही बात है कि क्लाउन फिश मतलब छोटे क्लाउन बहुत ही प्यारी लगती है, पूरा झुंड जब रहता है, बट ये है कि हमको इतना काम इतना करना पड़ेगा, मेरा बाजा बच जाएगा, वाटर चेंजेस और सॉल्ट वाटर मिक्स करना काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा मेरे पर, और मेरे ख्याल से 4 से 5 टैंक बनाना पड़े हमको और, है ना, और 4 से 5 टैंक तो और बनाना पड़ेंगे, और सॉल्ट वाटर की वीडियोस कोई देखता नहीं है, है ना, एक कड़वा सच जो है ना। तो ये बट स्टिल जो लोग देखते हैं उन लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, और देखते हैं पहले इसको कैसे क्या करना है, कुछ प्लानिंग करते हैं इसकी, हम क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा टैंक इसके लिए बनाएं, डेडिकेटेड टैंक बनाएं कि उसमें पूरा पेयर शिफ्ट कर दें, कि यहाँ पर एक रॉक का टुकड़ा रख दें कि अगली बार उसके ऊपर ये लोग जब एग्स ले करें, जब वो हैच होने वाले हों तो उस रॉक को उठा के हम उस टैंक के अंदर शिफ्ट कर दें। कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए, आप लोग अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि जो है क्या आप लोग के कमेंट, क्या सुझाव है आप लोग के, सब कमेंट जरूर कर दिएगा। मैं भी आप लोग को कुछ फीचर्स के अंदर दिख रही होंगे जो कि आज तक उसकी वीडियो नहीं आई है फ्रेंड्स। वीडियो इसीलिए नहीं आई है क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा लोगों का मज़ा नहीं आता सॉल्ट वाटर की वीडियोस देखने में, तो हम डालना भी हमने कम कर दिया है सॉल्ट वाटर टैंक की वीडियो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिएगा, वहाँ जो भी अपडेट्स इसके रहेंगे एक्स वगैरह के जो भी रहेगा वहाँ पर अपडेट हम करते रहेंगे। और फ्रेश वाटर टैंक की भी फिशेज आने ही, यार हम कहते हैं हमको बुरा लग रहा है बट आई होप नेक्स्ट वीडियो में आ जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो देख सकते हैं ये क्लिप्स थी, ये हमने मंगाई थी, ये देख सकते हैं ये हमने कुछ क्लिप्स मंगाई थी। एक्चुअली ये आप लोगों ने क्लिप्स देखी होंगी, वहाँ पर देखी होंगी डिवाइडर, ये फिश शॉप वगैरह पे ये डिवाइडर रहते हैं, वहाँ पर वो लोग पार्टीशन करके उसके अंदर अलग अलग तरह के फिशेज डालते हैं ताकि एक दूसरे को फिशेज हार्म ना करें। तो फ्रेंड्स वही क्लिप्स हैं, ये हमने 15 मंगाए हैं, ये भी ऑनलाइन आए हैं, तो अभी आज ही आए हैं एक्चुअली ये। तो हम जाएंगे ग्लास लेके आएंगे और फिर उसे पार्टीशन करेंगे मेन टैंक में, क्योंकि फिर उसके बाद ही वो फिशेस डालेंगे। और फ्रेंड वो फिश एक वजह और रह गई, वो फिशेस नहीं आ पाई क्योंकि वो फिशेस मुंबई से आने वाली, मुंबई में बारिश हो रही थी तो जहाँ से आने वाली थी उन्होंने कहा कि भाई 1-2 दिन अभी रुक जाइए, थोड़ा सा टेम्परेचर स्टेबल हो जाए फिर आपको भेजेंगे, वरना हो सकता है मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और हो सकता है कि उनके ऊपर एक वगैरह भी आ जाए। तो इसीलिए फिर 1-2 दिन के लिए उनको डिले कर दिया है। आई होप आज नहीं तो कल वो आ ही जाएंगी, नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी 99% उम्मीद है। तो बस फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते जाइएगा, सारे अपने सुझाव देते जाइएगा कि भाई क्या करें क्या ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करते जाइएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा ये न्यू एक्सपीरियंस जो सॉल्ट वाटर कीपर्स हों, फ्रेश वाटर कीपर्स हों, जिनके साथ लोग शेयर कर सकते हैं, हॉबिस्ट लोगों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, और अपने कमेंट नीचे जरूर करते जाना है आप लोग का, और पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।